सब्सक्राइब कीजिए फ्लेवर्स ऑफ माय किचन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रेसिपी अपडेट्स के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्लेवर्स ऑफ माय किचन। मैं हूं सना और आज मैं ब्रेड क्रम्स कैसे बनाते हैं वो आपको बनाना बताऊंगी। तो ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए आप व्हाइट ब्रेड या ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। तो आज मैं जो ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी वो मैं ब्राउन ब्रेड के साथ बनाऊंगी। तो ये मैंने 6 पीस ब्रेड लिया है, ये 6 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड है और इसी से मैं ब्राउन ब्रेड के क्रम्स बनाऊंगी। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे कट करूंगी। तो सबसे पहले मैं ब्रेड को कट करना बताऊंगी आपको। तो इस तरह से मैं दो इक्वल हाफ्स में इस तरह से ब्रेड को कट कर लूंगी। इसके बाद में एक और कट लगाया मैंने और इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। तो सभी ब्रेड को मैं कट कर लेती हूँ बिल्कुल इस तरह से। मैं इसकी एजेस के साथ यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो एजेस निकाल भी सकते हैं। तो ये देखिए सारे कटे हुए ब्रेड को अब मैं इस ग्राइंडिंग जार में डालूंगी और ग्राइंडिंग जार में डालकर इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए ग्राइंड कर लिया है मैंने और ये बहुत अच्छा सा ग्राइंड हो चुका है और अब मैं इसे ट्रांसफर कर लूंगी इस प्लेट में। तो ये देखिए ये क्रम्स बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं इन्हें करूंगी रोस्ट। तो एक पैन को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है और अब मैं इस पैन में ये जो मैंने अभी ग्राइंड किया है ये सारा क्रम्स ये डाल दूंगी इसमें और मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करूंगी। तो ये देखिए इसे अच्छा सा रोस्ट कर रहा है, ब्रेड क्रम्स सभी अच्छी रोस्ट हो रही है हमारी। सुनहरा सा कलर आ जाएगा इनके ऊपर तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये ब्रेड क्रम्स रोस्ट हो चुकी है प्रॉपर से। मीडियम फ्लेम पे इसे रोस्ट करना है, बिल्कुल हीटेड पैन होना चाहिए। हीटेड पैन में आप सारे ब्रेड क्रम्स को डालकर इसे मीडियम फ्लेम पे फिर रोस्ट करें। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद में ये ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छे रोस्ट हो चुकी है और इसके ऊपर से देखिए बहुत अच्छा सुनहरा सा कलर आ गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी हो गई है। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स बहुत अच्छी क्रिस्पी हो गई है। तो अब मैं फ्लेम इसका ऑफ कर रही हूं। तो ये सारे ब्रेड क्रम्स को मैं निकाल ले रही हूं। तो ये देखिए हमारी ब्रेड क्रम्स बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है। ये देखिए कितनी गोल्डन सी हो गई है ये। तो इस तरह से अगर आपको कभी भी कटलेट बनाना हो, पकौड़े बनाना हो तो आप इस ब्रेड क्रम्स को यूज कर सकते हैं और इस ब्रेड क्रम को आप 1 महीने तक अच्छे से एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके भी रख सकते हैं, बिल्कुल फ्रेश रहेगी। और ये देखिए ये कितनी क्रिस्पी बनी है ये। तो आप इसे पकौड़े या कटलेट बनाइए, बहुत टेस्टी और यमी बनेंगे। तो अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलूंगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए।